इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। बेलगाम में कोरोना मरीजों की तादाद 100 से भी कम, 3 की हुई मौत। कोरोना से मरने वालों को देगी येडियुरप्पा हुकूमत 1,00,000 का मुआवजा, बीपीएल कार्ड जरूरी। येडियुरप्पा की कुर्सी अब भी खतरे में, आज फिर बेंगलोर में येडियुरप्पा मुखालिफिन की मीटिंग, संजय सिंह पर भी नाराजगी का इजहार। मुंह में राम बगल में जमीन के दलाल, राम मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से एहतजाज। बाजार तो खुल रहे हैं पर महंगाई से अवाम परेशान, आज फिर बाजारों में भीड़ नजर आई। गोवा से आने वाली 15,00,000 की गैर कानूनी शराब बरामद, संगनकेरी क्रॉस पर हुई कार्रवाई। बेलगाम के कारोबारी को मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए 1,00,000 का चुना, खूबसूरत लड़की से शादी के चक्कर में लग गया चुना, मुकदमा दर्ज। दरबार गली में पुलिस के साथ हुई बहस, तनाव का माहौल, नौजवानों को किया गिरफ्तार। न्यू गांधीनगर ब्रिज के नजदीक पानी के फव्वारे, फरियाद करने के बावजूद भी किया जा रहा है कारपोरेशन की जानिब से नजरअंदाज, जल्द मरम्मत करने का मुतालबा। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट बुक सेलर स्टेशनरी एसोसिएशन की जानिब से 21 तारीख को एहतजाज करने का ऐलान। स्कूल कॉलेजेस बंद होने की वजह से किताब की दुकानें और स्टेशनरी वालों की खस्ता हालत, हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज करने का इल्जाम। जख्मी ऊंट का इलाज किया कलीमुद्दीन शाह ने, जानवर बचाव कमेटी की जानिब से जख्मी ऊंट के मालिक से तहकीक के बाद किया इलाज, कलीमुद्दीन शाह का ऊंट वालों ने अदा किया शुक्रिया। फी अदा करो वरना ऑनलाइन क्लासेस नहीं, स्कूलों की जानिब से फीस वसूलने का नया तरीका, स्कूलों पर कार्रवाई का मुतालबा। आज से स्कूलों का एकेडमिक ईयर की तैयारी जारी। महंगाई तारीखी ऊंचाई पर, 13% के करीब पहुंची महंगाई, आवाम ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। कुछ दिगर खबरें। इस साल हज के लिए सभी भारतीयों की अर्जियां रद्द कर दी गई, सिर्फ मकामी लोग कर पाएंगे हज। दिल्ली में रहने वाले 270 रोहिंग्या मुसलमानों की झुग्गिया जलकर राख, जानी नुकसान नहीं, किसने लगाई आग, हादसा या साजिश, हो रही है तहकीक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भगवाधारियों की गुंडागर्दी जारी, बुजुर्ग शख्स की दाढ़ी काट कर कहा कहो जय श्री राम, नारे न लगाने पर बेरहमी से पीटा गया। क्या भगवादारियों को हुकूमत की हिमायत हासिल, पूछ रही है आवाम। निकाह के दौरान उर्दू अल्फाज नहीं दोहरा पाया दूल्हा, तहकीक के बाद नाम निकला शुक्ला, शादी रद्द हुई, मामला पहुंचा थाने, महाराजगंज यूपी में हुई वारदात। जिस तरह की वारदातें बेलगाम शहर और अतराफ में रोनुमा हो रही हैं, इस पर कुछ रोशनी डालने की ज़रूरत है। लिहाजा इससे पहले भी हमने कई मरतबा माशरे में रोनुमा हो रही बुराइयों का तस्करा किया था बेलगाम शहर और अतराफ में, फिर पिछले हफ्ते ऐसी कई वारदातें हुई जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पर अक्सर यह देखा जाता है कि वक्ती तौर पर कुछ हरकत नज़र आती है पर फिर वही बेढंगी रफ्तार जो पहले थी कि मिसदाद हमारा रवैया रहता है। उन वाकियात का जिक्र मोहल्ले के नाम लिए बगैर इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे इस माशरे में बुराई का जिक्र भी बुरा समझा जाता है, ताकि माशरे की बुराई छिपाई जाए, ताकि माशरा बदनाम ना हो। पर अब तक इसके नतीजे उल्टे ही देखे गए, खासकर मुस्लिम माशरे की बुराइयां छिपाते छिपाती बुराइयां बढ़ती गई और अब तो हालात हाथ से निकलते दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जुआ, नशा, शराब के आदि नौजवानों की गिरफ्तारियां अमल में आई। कुछ जगहों पर बिल्कुल कम सी उम्र के नौजवान मोटरसाइकिल चोरी मामले में पकड़े गए, फिर शहर के मरकजी इलाके में पुलिस से हाथापाई की खबरें हासिल हुई। लड़कियां गैरों से निकाह करने की भी वारदातें बारह सुनने देखने मिल रही है। अब यह तमाम मामले माशरे के अक्स को बयान करती दिखाई देती है। इसे क्या समझा जाए कि वालिदैन की गैर जरूरी छूट या गलत दोस्ती के जरिए
गलत रास्तों पर भटकता नौजवान या फिर नाकारा मोहल्ले की जमातें, आखिर कौन जिम्मेदार? लिहाजा पिछले कुछ दिनों में इस बात का एहसास शिद्दत से हुआ कि हर फर्द, हर तंजीम, इदारा, जमात माशरे के अच्छे और बुराइयों के लिए जिम्मेदार होते। हमने बेलगाम शहर में वो वक्त भी देखा है जब जमात के जिम्मेदार गली मोहल्ले का बुजुर्ग शख्स अगर पुलिस थाने में जाता तो वहां इंतजामिया भी बड़े अदब एहतराम के साथ इज्जत से पेश आती। इसका मतलब किस तरह का रोब उनका उस दौर में रहा होगा। आखिर क्या बात थी कि जब जमात के जिम्मेदार का इतना वजन हुआ करता था। पर मौजूदा हालात में बड़ा अफसोस होता है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। कुछ गलतियां नौजवानों के हाथ से होती है पर पूरे मोहल्ले के नौजवानों के नाम पुलिस थाने में होते हैं क्योंकि खबरी नेटवर्क भी पुलिस का रहता है। लिहाजा किसी के एक शख्स की शरारत का खामियाजा पूरे मोहल्ले को भुगतना पड़ता है। वही दूसरी ओर पुलिस थाने में जाकर सवाल करने की हिम्मत किसी में नहीं होती कि आखिर बिना किसी जुर्म के क्यों बेगुनाहों के नाम मुकदमे में दर्ज किए जा रहे हैं। कहने का मतलब समाज का हर फर्द आज की इस बेतरतीबी का जिम्मेदार है। दीनी रहनुमा ऐसे हो गए हैं जैसे इन्हें इस माशरे से कुछ लेना देना ही नहीं। मस्जिद का जिम्मेदार ऐसा शख्स रहता है जो कभी कभार ही या तो फिर रमजान या बकरीद में ही मस्जिद में नजर आता है। मस्जिद के दिगर मेम्बरान का काम महज शादी ब्याह या मैयत के ऐलानात का रह जाता है। आखिर माशरे के फलाह बहबूदी पर क्यों नहीं बैठकर संजीदगी से तबादला ख्याल किया जा रहा? आज नहीं तो कल अकलियती माशरा निशाने पर आने ही वाला है, ये सच्चाई है। हर कोई अच्छे बच्चे की तरह मुंह पर उंगली रखकर बैठा है। आपके खामोश अनजान बनकर बैठने से मसले हल नहीं हुआ करते बल्कि आपका खामोश बैठना आपका भी जल नंबर लगने वाले है की दलील है। नौजवान अगर भटक गए हैं तो इसका इलाज करना पड़ेगा। हमने पिछली मर्तबा भी कहा था कि महज बुराइयों का मातम करने की बजाय, यानी कि हमारा माशरा इसी तरह का है, हमारी जमात इसी तरह की है, हमारे मोहल्ले के लोग हैं मुसलमान ऐसे ही होते हैं, इस तरह का मातम करने की बजाय इकदाम करें कि आखिर मोहल्ले के कट्टों पर बैठकर देर रात तक अपना वक्त ज़ाया करने वालों को सही राह पर कैसे लाया जाए। याद रखो, कट्टों पर बैठकर वक्त ज़ाया करने वाले नौजवानों में बहुत कुछ सलाहियतें हैं और रहती भी है, पर इसको सही रुख देने की जरूरत है। आज जुआ, मोटरसाइकिल चोरी, नशा के आदि नौजवानों की बड़ी तादाद इसलिए मुलव्वस हो रही है क्योंकि इनकी सही तरबियत नहीं हो रही। इसका एक ही इलाज है कि तमाम मोहल्ले के कुछ लोगों को आगे आकर आने वाली नस्ल के बारे में सोचना होगा। मैं पिछले कुछ हफ्ते में बेलगाम शहर और अतराफ में 10 से भी जायद वारदातें पेश आई हैं। अब तकरीबन कई घर के अफराद इस बुराई के जद में आ चुके हैं। किसी के घर में तलाकशुदा बेटी बैठी हुई है तो किसी के घर में नशेबाज बेटा है, किसी के घर में बेटा बाप का सुनता ही नहीं, तो कई घरों में वालिदैन औलाद से डर कर जिंदगी गुजार रही है। मोहल्ले की जमातें कमजोर होने से आगे बढ़कर पुलिस अफसरान से बात करने वाला कोई नहीं रहता। लिहाजा पुलिस थानों में बड़ी बड़ी रकम पूछी जाती है ताकि मुकदमा वापस लिया जाए। रिश्वतखोरी का मामला भी है। बदनामी के डर से वालिदैन या घर वाले कहीं से भी रकम जमा कर बच्चे को पुलिस थाने से घर ले जाते हैं, पर अक्सर ऐसा होता है कह नहीं सकते। अखबार न्यूज में मोहल्ले के नाम छप जाते हैं जिससे मोहल्लों को रेड जोन में डाल दिया जाता है। अक्सर तुम्हारे माशरे में इल्म नहीं का नुकता लगाया जाता है। कुल मिलाकर कहने की बात यही है कि जिस तरह की वारदातें पेश आ रही है कहीं तो मोहल्ले के जिम्मेदार अफरादों को सोचना जरूरी है क्योंकि अब तक बहुत कुछ गंवा चुके हैं, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। अखलाक, तहजीब, मामला, जुरत सब खाली हो चुकी है। दुनियादारी ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। जरूरत है अपने आप को तब्दील करने की ताकि घर का माहौल तब्दील हो, फिर गांव का, फिर मोहल्ले का, शहर का। ताज्जुब होता है कि महज 12-13 साल के लड़के मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, यानी किस तरह के इनके मुजरिमाना जहन पनप रहा है, आखिर किस तरफ हमारा मुस्तकबिल जा रहा है। इतनी छोटी उम्र में जुर्म के ख्याल आते कैसे? क्या हम जिस समाज में रहते हैं हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? किसी का भी बच्चा हो, महज उनके वालिदैन को ही जिम्मेदार ठहरा कर हम अपना दामन नहीं बचा सकते। कहने का मतलब दिलों से खौफ खुदा निकल चुका है। बजाय मासूम दिलों के हमने मेहनत उनके दिलों पर हमने मेहनत नहीं की। यकीनन सबसे बड़ा किरदार वालिदैन का ही होता है। घर के बच्चे कहाँ जाते हैं, कौन से दोस्तों से इसका मिलना जुलना है, कभी तवज्जो देते नहीं। जो भी हो, इस लॉकडाउन में बेशुमार वाकियों ने दिल गमजदा कर दिया। अगर हम आज भी न जागे तो बहुत बड़ी कीमत हम सबको चुकानी पड़ सकती है और इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।